नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि क्रिएशन में। तो चलिए आज बनाते हैं एक 3 इंच की टक्स वाला बोट नेक ब्लाउज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी जो भी चेस्ट के अनुसार ये फैब्रिक कट करके ले लिया है और उसमें मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया है। ऊपर 6 इंच का शोल्डर लिया है और 3 इंच मैंने नेक के लिए निकाल दिया है। और यहाँ मैंने 3 इंच की टेप ली है और यहाँ एक बॉक्स शेप बना के उसमें राउंड शेप लगा दिया है। और फिर मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया और सीधी लाइन खींच दी। और यहाँ मैंने नीचे की साइड 1 इंच पे एक और लाइन खींच दी। फिर मैंने 1.5 इंच पे इस साइड में निशान लगाया और 1.5 इंच इस साइड में निशान लगाया। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मिला दिया एक ट्रायंगल बनाते हुए ये टावर से बिल्कुल, और इस तरह से बना दिया। अब ये जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया है उसे हम इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे इस साइड में और इस साइड, दोनों साइड बिल्कुल। मैं जिस तरह से कर रही हूँ इसी तरह से करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। ये दोनों पार्ट हमें अलग कर लेने क्योंकि हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं। तो ये हमें 4 पार्ट मिल गए इसमें। और इसे हम इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक एक साथ अटैच करते हुए यहाँ पर मैंने ये निशान ड्रॉ कर लिया है। दूसरी साइड जो कि लाइट हल्का था उसे मैंने डार्क कर लिया। और इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक रखते हुए हमें चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये हम दोनों पार्ट में एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं एक के साथ एक। और अब यहाँ पे हम इसमें डार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे डार्ट का निशान मैंने पहले ही लगा रखा था और उसी निशान पर हमें सीधी सिलाई चला देनी है। यहाँ पे हम इसको पक्का करते हुए आगे ब्लॉक करते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और दोनों पार्ट में यही करेंगे हम, इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करके उस पर और पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमारे दोनों डार्ट लग के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो ये एक पट्टी मैंने अस्तर के साथ 2 इंच की पट्टी निकाली थी और उसे अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। और अब हम इसमें लेफ्ट साइड में लगाएंगे। ये हमारी काज वाली पट्टी है। इसको इस तरह से हम पीछे की तरफ से रखते हुए अटैच करेंगे और यहाँ पे एक दबाने की सिलाई जो होती है वो ऊपर से लगा देंगे जिससे कि कपड़ा दब जाएगा इसमें। और उसके बाद इसे पलट के हम इसके ऊपर फिर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारी इसमें सिलाई लग गई है। और अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे जिससे कि एकदम सिक्योर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने इसमें डबल सिलाई लगा दी है और ये काज वाली पट्टी लग के तैयार हो गई है। और अब हम राइट साइड के पार्ट में हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल अस्तर की पट्टी ली है और उसे हम इस पर अटैच कर देंगे। सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसको भी लगा दी, जो भी एक्स्ट्रा कर दी है उसे कट कर देंगे। और हम इसे भी पलट लेते हैं। तो इस तरह से पलट के सिलाई लगा देंगे। वैसे यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पे लगाने के लिए इसमें इस तरह से लगा देंगे। ये सिलाई हम लगा रहे हैं, ये सिलाई हमें खोलनी नहीं है, इसे ही पलट के हमें इस पर तुरपाई कर देनी है, हैंड स्टिच हैमिंग कर देंगे। और अब हम इसमें गले की पट्टी लगाएंगे। तो गले की पट्टी इस तरह से लगाते हैं। ये जो गले की कटिंग की थी हमने उसके नीचे फैब्रिक रख के हम उसके ऊपर दबाते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरह से। यहाँ आगे की तरफ लॉक कर देंगे जिससे कि सिलाई खुले ना। और यहाँ पे छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे जिससे हमारे गले में झोल नहीं आएगी। और इसे इस तरह से लगाते हुए हम हेमिंग कर देंगे। और अब ये हम दूसरे पार्ट में भी इसमें पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से दूसरे पार्ट में भी पट्टी लगा रहे हैं। तो ये पट्टी हमारी लग गई है दूसरे पार्ट में भी। और इसको भी इस तरह से कट करके हम यहाँ पे नॉचेस लगा देंगे।
तो ये देखिए हमारा पीछे की साइड थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे भी कट कर देंगे, सेट में दे देंगे। अब हम यहाँ पे इसमें तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें तुरपाई कर दी है, ये हमारे कार्ड तैयार हो गए। अब हम नीचे की साइड इसमें पट्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर की पट्टी ली है और उसे इस तरह से हम दोनों पार्ट में अटैच कर देंगे। यहाँ एक पार्ट में मैंने पट्टी लगा दी है, दूसरे पार्ट में लगाएंगे। यहाँ पे दबाने के लिए सिलाई लगा देंगे, फिर उसके बाद में हम इसमें हेमिंग करेंगे। और अब हम इसमें नीचे भी तुरपाई कर देंगे और साथ ही साथ काज और हुक भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तुरपाई भी कर दी है और साथ ही साथ हुक भी लगा दी है और काज भी बना दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।